स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जो आपके हर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी स्टेट का फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी का सिलेबस सेम है, चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, केवीएस एमवीएस हो, अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो। तो दोस्तों, अभी आप फिलहाल में एमपी टेट का वर्ग एक और दो का एग्जाम जस्ट होने वाला है, उसके लिए आपके लिए आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए प्रिपरेशन में लग जाइए और मेरे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। एंड इन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी वीडियोज है, चाहे थ्योरी सेशन हो, एमसीक्यूज हो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हो एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, सभी स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल में मौजूद है। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, अग्रबाहु यानी फोर आर्म की दो संबंधित अस्थियां यानी कि आर्टिकुलेटेड बोन्स कहलाती है। तो अग्रबाहु फोर आर्म कहते किसे हैं, जो हमारे कलाई से लेकर कोहनी तक के भाग होती है उसे अग्रबाहु यानी फोर आर्म बोलते हैं। बहुत लोग इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि फोर आर्म कहते किसे हैं। तो कलाई से लेकर कोहनी तक के भाग को हम कहते हैं फोर आर्म यानी कि अग्रबाहु, जिसमें दो हड्डियां होती हैं रेडियस और अल्ना। कौन कौन सी हड्डियां होती है? रेडियस और अल्ना, जो हमारे कलाई के पास अंगूठे से लेकर के कोहनी तक जाती है वो होती है रेडियस, जो हमारे छोटी उंगली से लेकर कोहनी तक जाती है वो होता है अल्ना। नेक्स्ट है खोपड़ी हड्डी यानी कि स्कल बोन की अस्थि संधि को कहते हैं। तो दोस्तों, स्कल बोन यानी जो हमारे खोपड़ी की संधि होती है उसको हम सूचर संधि भी कहते हैं। जैसे कि संधियां यानी कि जो ज्वाइंट्स होती है हमारे शरीर में तीन प्रकार के होते हैं, चल, अचल और अधचल। जो अचल संधि होती है उसको फाइबर्स ज्वाइंट भी बोला जाता है एंड साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट भी बोला जाता है, इमूवेबल ज्वाइंट भी बोला जाता है। ये हमारे खोपड़ी की संधियों में पाया जाता है। और जो हमारे दांत के जोड़ होते हैं गोम्फोसिस बोला जाता है दांत की जोड़ को, उसमें पाया जाता है अचल संधि और खोपड़ी की संधि को सूचर कहते हैं, अचल संधि है। और जो एक होता है हमारा एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एंटीरियर टिबिया फिबुला जो ज्वाइंट होता है हमारा एंकल के पास, वो जो होता है ये भी आता है अचल संधि में, यानी कि चल संधि के पास होते हुए भी अचल संधि जैसा कार्य करता है। एंड दूसरा होता है अधचल संधि यानी कि जिसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, गति होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं सिकली मूवेबल ज्वाइंट या कार्टिलेजियस ज्वाइंट या एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट। इसमें जो होता है बहुत कम गति होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी जो होती है पसलिया, ये इसमें ज्वाइंट आता है। इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट या रीढ़ की हड्डी आती है। प्यूबिक सिंपैथी यानी कि जो हमारे टेल बोन के पास का जो कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा होता है वो आता है, और हमारी जो रिब्स होती है पसलियां वो आती है। और जो तीसरा होता है चल संधि, जिसे हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट भी कहते हैं। इसमें गति करने में सहायक होती है, तीन तल में गति होती है, किसी भी तल में इसमें गति होती है एकदम फ्री रूप से। ये छह प्रकार की होती है चल संधि यानी कि फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। पहला होता है फिसलने वाली ज्वाइंट है, जिसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। यह दो हड्डियों की दो चपटी सतह पर एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, जिसमें हमारा कार्पस टार्सस जोड़ होता है। दूसरा होता है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसे कंदुक खलिका संधि भी कहते हैं। यह हड्डी का एक सिरा दूसरे के गोल यानी हड्डी का एक सिरा गोल जो होता है वो दूसरी हड्डी के कप के आकार में सिरों में फंसा रहता है, जिसे सभी दिशाओं में गति होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। एंड तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट, जिसे कब्जा संधि भी कहते हैं, जिसे कोर संधि भी बोला जाता है। जैसे कि एक दरवाजा, हिंज कब्जा का मतलब होता है दरवाजा, जैसे दरवाजा एक तरफ ही मूवमेंट कर सकता है, घूम सकता है, उसी प्रकार जो हिंज ज्वाइंट है वो एक तरफ ही गति कर सकता है। जैसे एक तल में गति होती है उसे हिंज ज्वाइंट कहते हैं, एक ही दिशा में। जैसे इसमें होता है आपका नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और उंगलियों और जबड़ों का ज्वाइंट इसमें आता है। चौथा होता है चल संधि में कॉन्डिलायर ज्वाइंट, इसमें क्या होता है जो दोनों तल में गति करते हैं
वो होता है कॉर्डिलर ज्वाइंट, जिसमें हमारा ब्रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई का जोड़ आता है। और पांचवा होता है पीवट ज्वाइंट, इसमें क्या होता है, सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है। इसमें आपका होता है सिर की गति, यानी सिर जो है गर्दन पर घूमता है सिर का ज्वाइंट, और रेडियस अल्ना ज्वाइंट भी आपका आता है। रेडियस अल्ना ज्वाइंट, जो रेडियस हड्डी होता है वो अल्ना के ऊपर प्रोनेशन और सुपाइलेशन जैसे दो घूर्णन गति करते हैं। छठवां होता है सैडल ज्वाइंट, जिसे परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि बोला जाता है, जो किसी भी दिशा व तल में गति करती है। इसमें आपका आता है जैसे कि अंगूठा जो है प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। तो इस प्रकार चल संधि छह प्रकार की हुई। तो यानी संधि तीन प्रकार की होती है, चल अचल और अर्धचल। तो संधि वाले वीडियो को आप देखेंगे तो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? तो यहां पे आपका ऑप्शन है ह्यूमरस, फिबुला, टीबिया, फीमर। जैसा कि आप जानते हैं टीबिया फिबुला जो होता है और फीमर, ये तीनों जो है पैर की हड्डी का हिस्सा है, बट जो ह्यूमरस है वो हमारे बांह की हड्डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। जो ह्यूमरस है वो पैर का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है अंश फलक, जिसे स्केपुला अस्थि कहते हैं, जो हमारे कंधे की अस्थि होती है। कहां पे स्थित होती है? यह स्थित होती है ऊपरी पीठ में, यानी अपर बैक में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो यह हमारे निचले जबड़े का जो हड्डी होता है मैंडिबल, वो होता है सबसे मजबूत हड्डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? तो जो हड्डी का कड़ापन मजबूती होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, जैसे दूध में आपका कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी में सूर्य के प्रकाश में कैल्शियम पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डी में सबसे अधिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है, ह्यूमरस हड्डी स्थित है? तो दोस्तों ह्यूमरस जो होता है हमारे बांह की हड्डी होता है, जो हमारे कंधे से लेकर कोहनी तक होती है, वो होता है हमारा अपर लिंब में। अपर लिंब में हमारे दोनों हाथ और हमारे कंधे और हसली आती है, लोअर लिंब में दोनों पैर और हिप आता है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वर्टिब्रल कॉलम में 33 हड्डियां होती है दोस्तों, जिसमें से आपको बच्चों में पूछेगा तो 33, सीधे पूछेगा वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है तो 33, और ये ऐसे पूछेगा कि वयस्कों में कितना होता है तो 26 होता है। जो लास्ट की 9 हड्डियां होती है वो 5 मिलकर 1 हो जाती है और 4 मिलकर 1 हो जाती है। जो 5 मिलकर 1 होती है उसको सेक्रल कहते हैं, और जो 4 मिलकर 1 होता है उसको कॉक्सीजियल कहते हैं। इस प्रकार 26 हड्डियां बचती है वयस्क होने पर। तो सीधे सीधे पूछेगा कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है, 33, बच्चों में कितनी होती है 33, और वयस्कों में कितनी होती है, इस प्रकार से पूछेगा तो 26 आप आंसर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? तो यह हमारी जान की हड्डी फीमर होती है। नेक्स्ट है, स्टर्नम कहाँ होती है? तो दोस्तों स्टर्नम हमारे वक्ष में होती है, थोरेसिक में होती है। तो वक्ष में जो हमारी स्टर्नम हड्डी होती है, मोटी सी हड्डी होती है, जिसमें हमारे जो पसलियां होती है दोनों तरफ ऐसे जुड़ी रहती है। ठीक है, पसलियां 12 जोड़ी पसलियां जो होती है दोनों तरफ जुड़ी रहती है स्टर्नम हड्डी में, यानी जिसे हम हिंदी में उरोस्थी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें संक्रामक तत्व नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे है आपका फिनाइल, आग, टिंचर, आयोडीन, इन तीनों में जो है निसंक्रामक तत्व है, बट स्वच्छ जल में नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? जैसा कि आप सबको पता है 14 हड्डियां होती है। हमारे पूरे संपूर्ण खोपड़ी में जो होती है 29 हड्डियां होती है, जिसमें खोपड़ी में हमारा क्रेनियल बोन यानी कि मस्तिष्क की हड्डियां 8 हो गई, 14 हड्डियां आपकी फेशियल हो गई चेहरे की, और 6 हड्डियां हमारे कान में हो गई दोनों तरफ, और 1 हमारे हायर बोन कंठ में होती है, कुल मिलाकर के 29 होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आप सबको पता है 206 होती है।
नेक्स्ट हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है, तो पसलियां दोनों तरफ 12-12 होती है, तो यानी कि 12 जोड़ी पसलियां होती है। कुल पूछेगा कुल कितनी होती है, तो 24 होती है, 12 × 24। एंड नेक्स्ट है हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो जैसा कि आपको पता है सबसे लंबी अस्थि होती है उर्वास्थि, जिसे फीमर भी कहते हैं, हमारी जांघ की हड्डी। नेक्स्ट है निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पे भाला फेंक जो है थ्रोइंग इवेंट है, 100 मीटर दौड़ रनिंग इवेंट है, चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो ये थ्रोइंग इवेंट है, जबकि यहाँ पे लंबी कूद जो है वो आपकी कूद वाली यानी जंपिंग इवेंट है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है उसके बीच के अंतर को हम पल्स प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है जांघ की हड्डी का क्या नाम है, तो आप सबको पता है फीमर कहते हैं उसे, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। नेक्स्ट है घुटने की परिवर्तनीय अस्थि को क्या कहते हैं, जो परिवर्तनीय होता है जिसे हम कृत्रिम भी लगा सकते हैं, जो हमारे घुटने को मूवमेंट करने में फ्लेक्सिबल करने में काम आता है, तो ये होता है आपका पटेला। नेक्स्ट है मानव शरीर में लंबी अस्थि का क्या कार्य है, तो दोस्तों जो हमारे शरीर में लंबी अस्थियां होती है वो लीवर के रूप में कार्य करती है। जैसा कि लीवर क्या है, तुलक क्या है, इसके बारे में डिटेल में मैं बता चुकी हूं, उस वीडियो को आप देखेंगे सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लीवर के बारे में एक दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम ट्रिक के साथ उसमें बताया गया है प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों प्रकार के लीवर के बारे में, उत्तोलक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी निचली जबड़े की मसेटर मसल्स होती है, बट इसमें नहीं दिया है, तो इसमें जो सबसे मजबूत होती है इसमें आपका होता है रेक्टस फेमोरिस, जो हमारे ऊपरी जांघ में पाई जाती है, जांघ के ऊपर की तरफ पाई जाती है। जैसे कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है वो चार पेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, चारों मिलकर के क्वाड्रिसेप्स बनाती है, जिसमें से रेक्टस फेमोरिस सबसे मजबूत होती है। और ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स करता क्या है, ये हमारे हिप को मोड़ने में और घुटने के प्रसार करने में काम आता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अत्यधिक हड्डी के संयोजन का प्रतिशत होता है, तो सबसे हड्डियों में सबसे ज्यादा किसका प्रतिशत होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का होता है, आप सबको पता है। नेक्स्ट है दाहिने हाथ के अस्थि के अस्थिकरण तकनीक का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है, तो जो दाहिने हाथ की अस्थि होता है उस अस्थिकरण तकनीक का उपयोग उम्र निर्धारण में किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो सबको पता है बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, उर्वास्थि यानी कि फीमर। आप उर्वास्थि इंग्लिश वर्जन ध्यान में दीजिएगा, उर्वास्थि में आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फीमर वहां पे लिखा रहेगा इंग्लिश वर्जन में। नेक्स्ट है अस्थि की घनत्व इनमें अधिक होती है, तो जो अस्थियों का घनत्व होता है वो पुरुषों में स्त्रियों से ज्यादा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है उरोस्थि यहाँ स्थित होती है, उरोस्थि यानी जो स्टर्नम होती है हमारे छाती पर स्थित होती है, जो जिसके दोनों तरफ पसलियां होती हैं 12-12। नेक्स्ट है स्कंधास्थि यानी कि जो स्टर्नम होता है इसके पुला वो कहाँ पे स्थित होता है, तो अपर बैक में होता है यानी कि ऊपरी पीठ में, यहाँ पे कमर दे दिया है। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती है, यानी हमारे रीढ़ की हड्डियां होती है 33, ठीक है, वयस्क में पूछेगा तो 26, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रेडियोल्ला अस्थि कहां पे स्थित होती है, तो फोर आर्म में स्थित होती है, अग्रबाहु में। नेक्स्ट है स्केपुला अस्थि कहां स्थित होती है, तो स्केपुला अस्थि जो स्कंधास्थि होती है वो होता है अपर बैक में, ठीक है, ऊपरी बाह में।
नेक्स्ट है मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं कितनी होती है। तो यहाँ पे आपको मानव शब्द पूछा है यानी कि वयस्क में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 33 में होकर के 26 हो जाएगा। डायरेक्ट पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती है, 33 होगा। यहाँ मानव रीढ़ पूछा है तो 26 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं अलिंद और दाएं मिलय के मध्य कौन सी कपाट होती है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं हृदय वाले पार्ट में रक्त परिसंचरण तंत्र में कि दाएं अलिंद और दाएं मिलय के बीच ट्राइकैस्पिड कपाट होती है जिसमें तीन दरवाजे लगे हुए होते हैं और यह दाएं अलिंद और दाएं मिलय के बीच स्थित होता है। जैसा कि दोस्तों हृदय में चार कपाट होते हैं ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड और दो सेमिनल वाल्व होते हैं जिसे पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व कहते हैं। जो ट्राइकैस्पिड वाल्व है ये दाएं अलिंद और दाएं मिलय के बीच है, जो अलिंद से दाएं मिलय में रक्त को जाने देता है। एंड दूसरा वाल्व होता है बाइकैस्पिड वाल्व जिसे मिथो वाल्व भी कहते हैं। यह बाएं अलिंद और बाएं मिलय के बीच स्थित होता है और यह बाएं अलिंद से बाएं मिलय में रक्त को भेजता है। एंड दो वाल्व होते हैं सेमी लूनर वाल्व जो अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं, जो जिसमें दो वाल्व होते हैं पल्मोनरी वाल्व जो अशुद्ध रक्त को लेकर के जाता है फेफड़ों में रक्त को शुद्ध होने के लिए, और एक होता है एरोटिक वाल्व जो जिसे महाधमनी चाप भी कहते हैं, जहां से बाएं मिलय के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका रहता है। तो दोस्तों जो फेफड़ा होता है लंग्स हमारा वो प्लूरा द्वारा ढका रहता है, प्लूरा मेम्ब्रेन द्वारा। नेक्स्ट है अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत जो बची हुई वायु की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। क्या कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पे गलत आंसर दिया है टेबल वॉल्यूम, जबकि अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के बाद फेफड़ों में जो बची हुई वायु होती है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और दोस्तों जैसे कि जो हमारे इससे पूछा जाता है दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, जो अधिकतम अंतर श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, यानी कि एक फेफड़े की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतर श्वसन यानी कि इंस्पायरेशन करने पर करके पूरे बल के साथ जो हवा वायु श्वसन यानी एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है उसी मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी निकालने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। तो इन तीनों का योग होता है वाइटल कैपेसिटी। इसमें से टाइडल वॉल्यूम यानी प्राण वायु क्या होता है, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य शांत श्वसन या श्वास में फेफड़ों में जो भरी जाती है सामान्य श्वसन में जिसे नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो आपका 500 एमएल का होता है। और दोस्तों जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एयर पूरक वायु क्या रहता है कि जैसे कि हम सामान्य श्वास के बाद यदि वायु और जोर से श्वास लेकर फेफड़ों में लेते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयर जो 300 एमएल होता है। एंड सप्लीमेंट्री एयर या परिशिष्ट वायु क्या होता है कि गहरी श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालने को हम कहते हैं, जो एक्सहेलेशन करते हैं एक्सपायरेशन करते हैं उसी को कहते हैं परिशिष्ट वायु। इन सब प्रक्रिया के बाद जो हमारे फेफड़ों में वायु बच जाती है उसे हम रेसिडुअल एयर कहते हैं, यानी कि अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत जो फेफड़ों में बची हुई वायु होती है उसे रेसिडुअल एयर कहते हैं। तो दोस्तों वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो कितना होता है, वाइटल कैपेसिटी की मात्रा 4600 एमएल यानी कि 4.6 लीटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता। तो टोटल लंग कैपेसिटी कहते किसे है, यानी फेफड़ों की कुल क्षमता कहते किसे है कि वायु की वह कुल मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है उसे हम कहते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना होता है 4600 एमएल, एंड जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1200
यमल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5800 ml, यानी कि वाटर कैपेसिटी आपका 4600 ml, यानी कि 4.6 लीटर होता है, और टोटल लंग कैपेसिटी होता है 5800 ml, यानी कि 5.8 लीटर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, साधारण वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? जैसे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। नेक्स्ट है, प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितना परसेंट होता है? तो नाइट्रोजन गैस होता है आपका 78%। नेक्स्ट है, संघनित की गई सांस में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% होता है। जैसा कि जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जितना परसेंट गैस विद्यमान रहता है उतना ही अंदर जाता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन जाता है 21%, नाइट्रोजन 78%, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% जाता है। जब बाहर निकलते समय वही ऑक्सीजन 21% जाता है, निकलता है 16%, और नाइट्रोजन 78% जाता है, पूरा का पूरा निकल जाता है, कोई यूज नहीं होता है उसका। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है बट वापस आता है 4%, ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस से मेरे साथ, और बेस्ट अपना दीजिए और अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए, और एक सेकेंड भी अपना टाइम फालतू वेस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।